मेरा तो एक ही नारा रहा है, हारेंगे हुरेंगे और जीतेंगे तो फूरेंगे। तो इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि अगर व्यापारियों की उपेक्षा की जाएगी और व्यापारियों के समस्याओं का निराकरण प्रशासन नहीं करेगा तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये लड़ाई यहाँ से लखनऊ तक चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। हम अभी पहाड़िया मंडी पे आए हुए हैं। यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो मंडी शुल्क को हटा दिया था सरकार ने, उसे वो फिर ले आई है। उस पर हम यहाँ जो है इनके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि ये आगे क्या कर रहे हैं, इनका आगे का भी क्या प्लान है। मंडी शुल्क और व्यापारियों की उपेक्षा के विरोध में यहाँ धरना रखा गया है। जैसा कि अभी बूथ के वक्ताओं ने आपको बताया कि शासन व्यापारियों का कहा जाता है, पर शासन में बात व्यापारियों की बहुत ही कम सुनी जा रही है। और व्यापारी अगर सही माने में देखा जाए तो प्रताड़ित है, परेशान है। इतने नियम ला दिए गए हैं कि उन नियमों से व्यापार करना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने सरकार के लिए जीएसटी को भी अपनाया, नोटबंदी को भी अपनाया, बैट को भी अपनाया और कोविड में भी सड़कों पर उतरकर सामान बांटने का भी काम किया, पर उसके बाद भी ये सरकार के लोग छेते नहीं और लगातार व्यापारियों पे उत्पीड़न का उत्पीड़ित कानून लगाते जा रहे हैं। अब इन्होंने नया कानून लगा दिया मंडी शुल्क। मंडी शुल्क से हट जाने से सारे वर्ग के व्यापारी खुश थे, किसी भी जगह से सामान ले आते थे और ले जाते थे, पर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग हमारे भी सचिव साहब आ गए, जो हम लोग हमेशा से सरकार के साथ रहे हैं। अगर सरकार ने हम लोगों की बात को माना तो ठीक है, वार्ता से माना तो ठीक है, नहीं तो सड़क पे उतरने का काम, घेराव करने का काम और रैली निकालने का काम, काला दिवस मनाने का काम भी हम लोगों ने किया है और हर तरह से बंधक बनाने का काम भी किया है। हम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आवाज के माध्यम से व्यापार मंडल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना निराकरण करें, और नहीं तो हम लोग का 30 साल का इतिहास रहा है कि हम लोग ना तो कभी झुक के जिए हैं, जब भी जिए हैं तो सर उठा के जिए हैं। और हम लोग अपनी लड़ाई बल पे लड़ते हैं, हम लोग अपनी लड़ाई अपने बल पे लड़ते हैं, न कभी किसी का सहयोग लेते हैं, न किसी से हम लोग सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरा व्यापार मंडल, हमारे साथ जुड़े लोग इतने सशक्त हैं कि वो हर तरह से सक्षम है। और मेरा तो एक ही नारा रहा है, हारेंगे हुरेंगे और जीतेंगे तो फूरेंगे। तो इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि अगर व्यापारियों की उपेक्षा की जाएगी और व्यापारियों के समस्याओं का निराकरण प्रशासन नहीं करेगा तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये लड़ाई यहाँ से लखनऊ तक चलेगी। अभी हम लोगों ने 1500 व्यापारियों का व्यापारी सम्मेलन लखनऊ में किया था और वहाँ भी इसी सब बातों के लिए था और रैली भी निकाली थी। यह आवाज हम लोग लखनऊ तक पहले भी पहुंचा चुके हैं। आज इसके माध्यम से धरने के हम लोग इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि व्यापारी आराम से व्यापार करे, अपना व्यापार खराब करके आज वो कर्जे में लगा हुआ है, उसके मकान बिक रहे हैं, रोजी रोटी नहीं चल रही है, दुकानों पे बिक्री कम है, बिजली में छूट नहीं दी गई, किसी चीज में छूट नहीं दी गई, व्यापारियों का कोई लोन माफ नहीं किया गया, हर तरह से उत्पीड़न व्यापारी सह रहा है। उसके बाद भी
सरकार नए कर लगा रही है तो इसका व्यापार मंडल विरोध करता है और हम शासन से मांग करते हैं कि वो प्रशासन को चेतावनी दे कि व्यापारियों की बातों का निराकरण करे और शासन व्यापारियों की मांगों के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल बनारस का जो है उनको भेजकर हम लोगों की समस्याओं को देखे और उसका ऊपर तक निराकरण हो। जय व्यापारी, जय व्यापारी। अरविंद जी एक एक हीरा चुन के अपने साथ रखे हैं, ऐसे ही नहीं हम उनका नाम लेते हैं अपने अरविंद भैया का। और जोरदार ताली हो जाए अरविंद भैया के लिए, पहरिया व्यापार मंडल महामंत्री के लिए। देखिए आज जो ये कृषि कानून के वापस होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 700 रुपए करोड़ का जो लाश बताया जा रहा है उसको लेकर के व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स पुनः मंडी शुल्क जो बंद कर दिया गया था उसको चालू कर दिया, इसको लेकर के खुदरा व्यापारियों में काफ़ी रोष है क्योंकि व्यापारी अलग अलग तरीके का टैक्स देता है, चाहे वो GST हो चाहे कहीं भी हो, तो व्यापारी का उत्पीड़न हमेशा होता आ रहा। क्या कारण था कि सरकार ने पुनः मंडी शुल्क को लगा दिया है, इससे बनारस के व्यापारी काफ़ी उत्पीड़ित हैं और इस मामले को लेकर के राज्य सरकार को घेरने जा रहे हैं। आज वाराणसी, कल लखनऊ, परसों दिल्ली तक ये बात जाएगी। अभी आपने इतने दबाव में जाकर कृषि कानून के बिल को माफ किया है। हमारे साथ हमारे मित्र हैं, देखिए व्यापारी हैं आप, एग्रो इंडस्ट्री करखियाओं के आप पदाधिकारी हैं, आप भी पीड़ित हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पुलिस वाले भी अनाज की गाड़ियों को रोकने लगेंगे, मंडी सचिव जाएंगे, इनका सचल दल जाएगा और व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान होगा, अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे। हमारे यहाँ उत्पादक हैं, 50 टन प्रतिदिन आपका गेहूँ का पिसाई होती है और आटे का उत्पादन होता है, तो किस तरह से आप प्रताड़ित होंगे विजय जी बताएं। मैं क्या पूरा इंडस्ट्री, पूरे प्रदेश की इंडस्ट्रीज को परेशानियों को झेलना पड़ेगा क्योंकि हर इंस्पेक्टर राज पुनरावृत्ति हो जाएगी। अगर इस पर तत्काल सरकार अगर नहीं ध्यान देती तो आने वाले समय में इनका नुकसान होना है और इससे जो है व्यापारी उत्पीड़ित रहेगा, इंस्पेक्टर राज पुनः लागू हो जाएगा जैसे अदर सरकारों में होता था, फिर इसलिए सरकार में भी वही स्थिति। देखिए कहीं धूप कहीं छाया, लाल बहादुर शास्त्री नवीन कृषि मंडी पहाड़िया जहां पे आज धरना दिया गया है और बनारस के प्रमुख संस्थानों ने और प्रमुख व्यापारियों ने, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह भग्गा जी और पहाड़िया व्यापार मंडल के पदाधिकारी और अन्य संगठनों ने जम करके यहां पे आज धरना दिया है, अपनी बातों को मनवाने के लिए मंडी सचिव को ज्ञापन भी दिया है। मैं अरविंद, पहाड़िया व्यापार मंडल। और आज भी हम सभी सुनी की बात होती है तो हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम को हम लोग सबसे रहते हैं। इसी तरीके से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंडी समिति ऐसे टैक्सों को न लगाएं क्योंकि इससे सिर्फ सिर्फ व्यापारियों का शोषण होगा, शोषण होगा और शोषण ऐसा होता है कि व्यापारी व्यापार करना नहीं चाहता। वक्त आ जा रहा है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। सचिव साहब आए हुए हैं और कल 7 बजे फरारकर में हम लोगों ने व्यापारिक सम्मेलन रखा है, उसमें कैबिनेट मंत्री नंदी जी आ रहे हैं, उनके सामने हम लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां आए ताकि पूरी बात रख सकें। और साथ ही मैं लालपुर थाने को भी आगाह करना चाहता हूं कि लालपुर थाने ने जो कल काम किया यह मानवता का काम नहीं था। व्यापारियों के ऊपर छुन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर व्यापारी अपराधी नहीं है, व्यापार गलत नहीं है, व्यापारी चोरी नहीं किया था, व्यापारी से का संबंध नहीं पहुंचा, व्यापारी के पास कागज नहीं पहुंचा। आप मानवता के दृष्टि से आप भी परिवार वाले हैं, आपके भी व्यापार लोग परिवार व्यापार में होंगे, आपको सहयोग करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात अगर वहां तक पहुंच रही होगी तो वो इस बातों को आगे से ध्यान देंगे। व्यापार मंडल उनकी हमेशा इज्जत करता है और करेगा, पर अगर वो मानवता की दृष्टि नहीं अपनाएंगे तो दिक्कत होगी। और हम लोग अभी डिप्टी CP साहब, DIG साहब से मिलने भी कचहरी जा रहे हैं इसी मुद्दे पर कि पूरे बनारस में ये कहा जाए कि इस तरह के प्रताड़ित कार्य व्यापारियों के साथ न हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। वासी व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद।